वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। इस सियासी युद्ध में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है। लेकिन इस सबसे इतर इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में बीजेपी यानी कि एनडीए के लिए खास है। तो आइए बिहार चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी की ताकत और कमजोरियों पर बात करते हैं, साथ ही जानेंगे इस मुद्दे पर क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट। बीजेपी के लिए मुश्किल है जो उनकी सफलता में वो खुद नीतीश कुमार हैं। एनडीए के गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट नीतीश कुमार, जिनको एनडीए ने अपना चेहरा बनाया, बीजेपी ने अपना नेता माना, लेकिन नीतीश कुमार के लिए इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है जितनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी इससे पहले कभी अतीत में किसी और मुख्यमंत्री के लिए देखी गई हो, इसके बहुत कम उदाहरण हैं। बात अगर एनडीए की मजबूती की करें तो एनडीए के पास पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता और चेहरा है। वहीं महागठबंधन के पास इस कद का कोई नेता नहीं है। वहीं सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार एनडीए में मान्य है। बीजेपी, जेडीयू और साथी दलों की अगड़ी, पिछड़ी और दलित बिरादरी में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं बीजेपी की ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या कहते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार। कोरोना काल में सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए जो रणनीति बनी उसका जो असर बिहार में हुआ, प्रवासी मजदूर, बड़ी मात्रा में बेरोजगारी और उसके बाद उनको उसका क्योर नहीं मिलना, इसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन बीजेपी, वैसे खुशनसीब है कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के खिलाफ ना हो करके वो नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ है। इसके बावजूद बीजेपी को उसके उनके साथ गठबंधन बनाने का जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो इसमें ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर एनडीए की कमजोरियों की बात करें तो कोरोना, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर वह विपक्ष के निशाने पर है। 15 सालों की सत्ता विरोधी लहर से भी उसे नुकसान हो सकता है। प्रवासियों की बड़ी संख्या में राज्य में वापसी भी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा विकल्प नहीं मजबूरी है। चिराग पासवान फैक्टर से भी एनडीए यानी कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से जेडीयू हो सकता है नाराज। तीसरा मुद्दा खुद बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की वो रणनीति जिसमें कि उन्होंने अपने आप को बड़ा भाई बनाने की कोशिश की, बराबरी पर सीटें बांटी और ये उम्मीद की कि जेडीयू का कद अगर छोटा हो जाता है तो हम बड़े हो जाएंगे। इसके लिए एलजेपी का के रूप में एक ऐसा कार्ड खेला गया जो एनडीए का ही पार्ट है और एनडीए में रह करके और एनडीए से अलग हो करके वो जेडीयू को हराने में लगा है और दुनिया जानती है, खुद बीजेपी के लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद एलजेपी फिर से एनडीए में घोषित तौर पर होगी। तो ये बात जनता को सीधे तौर पर समझ में आ गई कि बीजेपी खुद अपने एनडीए पार्टनर को हराना चाहती है। अब अगर महागठबंधन की मजबूती और कमजोरी की बात करें तो उसे सत्ता विरोधी लहर का लाभ मिल सकता है। तेजस्वी युवाओं को आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ अगड़ी और दलित जातियां आईं तो हो सकता है महागठबंधन को फायदा। हालांकि लालू यादव की कमी महागठबंधन को जरूर खलेगी। महागठबंधन में एकजुटता एवं नीति का अभाव है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है और लालू परिवार में भी उभरते रहे हैं मतभेद जो कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन अब की बार कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही है कि रीजन चाहे एंटी इनकम्बेंसी का हो, चाहे विकास होने या ना होने का मुद्दा हो, जो दाग हैं, जो कीचड़ उछल रहा है वो बहुत सफाई से आप ये देखिए बीजेपी वो नीतीश कुमार के जो है ऊपर वो जा रहा है
और बीजेपी एकदम साफ बस्ती चली जा रही है। जितने भी मुद्दे उछल रहे हैं वहाँ पे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, शासन रहा सुशासन रहा, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार जी को वहाँ पे जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।